हे गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी मैं रेडी हुई हूँ शादी में जाने के लिए। और देखिए, मैंने हेयर को थोड़ा सा कट किया है तो कैसा लग रहा है। और बस अतिथि रेडी हो रही है। और पता नहीं, मैं आज फर्स्ट टाइम ट्राइपॉड से शूट कर रही हूँ, पर पता नहीं मेरा क्लियर बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो समझ में नहीं आ रहा है। मतलब बहुत लंबा दिख रही हूँ मैं। तो गाइस, शादी के लिए रेडी हो गए हैं और अब निकलेंगे थोड़ी देर में। तो गाइस देखिए, मैंने ये हेयर कट किया है थोड़ा सा, क्योंकि मेरा फॉरहेड बहुत बड़ा है ना, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने थोड़ा सा कटिंग कर दिया है। तो कैसा लग रहा है? और ये इयररिंग्स ना देखिए, मुझे इतने अच्छे नहीं लगते थे, पर अब आज कुछ पहनने को नहीं है तो मैंने पहन लिए हैं। और ये ड्रेस पे वो जा रहे हैं अच्छे से, मतलब ये ड्रेस पे अच्छा लग रहा है। और ड्रेस मेरा इस तरह से है। अब मैं कैसे दिखाऊं, मुझे ट्राइपॉड यूज़ करने को नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए मैं अपने अपना जैसा नेचुरल करती हूँ वैसे ही आपको बता देती हूँ। मैं आपको दिखाऊं, मैं मेरा पूरा लुक आपको दिखाती हूँ। वेट, तो मेरा इस तरह से ड्रेस है गाइस, पूरा फिर भी नहीं दिख रहा है ना आपको, मिरर में दिखेगा क्या, देखते हैं। शायद मिरर में दिखे। देखिए गाइस, इस तरह से पूरा लुक है। तो गाइस, अतिथि को तैयार होने में बहुत टाइम लग रहा है। और ये अभी तो ठीक है, पर मैं इस तरह से बाल रख के आईब्रोज वगैरह नहीं कर पाऊंगी, इसलिए मैं अब थोड़ी देर के लिए ही ऐसे काटी हूँ। उसके बाद वो अंदर चले जाएंगे वापस। और यहाँ से थोड़ा सा पफ करना पड़ेगा। तो गाइस, आज जाएंगे शादी में। एक्चुअल में आपको पता है ना, थोड़ा सा मूड ऑफ चल रहा था, तो अब जाएंगे शादी में तो थोड़ा सा एंजॉय करेंगे। अच्छा लगता है थोड़ा बाहर जाते हैं तो, क्योंकि आजकल तो हमारी लाइफ पूरी जेल की तरह हो गई है। पर मुझे ये यूट्यूब का काम मिल गया है, तब से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और गाइस, जो मेरा वीडियो देख रहे हैं ना, मुझे बताइए कि मेरा क्या पता क्या प्रॉब्लम है। मेरे इतने सारे सब्सक्राइबर है और फिर भी मेरा वीडियोस इतने लोग क्यों नहीं देख रहे हैं। और लोगों के दो तीन हज़ार सब्सक्राइबर और उनके व्यूज़ 6-6, 7-7 हज़ार आते हैं। तो मुझे ये कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि क्यों ऐसा हो रहा है। मैं बहुत कंफ्यूज हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है, बहुत कंफ्यूज हूँ। और मैंने बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर को मैसेज करके भी पूछा, पर वो आंसर देने की बजाय उस पर ही वीडियो बना डालते हैं, और मेरा जो सवाल रहता है वो तो बाजू में रह जाता है। और बस अब मैं क्या बोलूँ किसको। ओके, ठीक है, तो चलिए मैं खुद ही ढूंढूंगी और खुद ही करूँगी। पता नहीं कहाँ पे मेरा कुछ मिस्टेक हुआ है, और बहुत सारा मेस पड़ा है ये वाले बेडरूम में, क्योंकि वहाँ वो वाले बेडरूम में आती थी ना तैयार हो रही है, और वहाँ पे अतिथि का मोबाइल चार्जिंग को लगा है। तो गाइस, आज जाएंगे शादी में, और मेरी आवाज़ थोड़ी दबी हुई आ रही होगी आपको, क्योंकि अभी तक मेरा गला थोड़ा ठीक नहीं हुआ है। और शादी में जाके मैं आपको शादी का पूरा शूट करके दिखाऊंगी। ओके, तो चलिए देखते अतिथि का कहाँ तक पहुँचा, कितना रेडी हुई है। मेरी माँ तो बाप रे टाइम लगाती है। गाइस, अतिथि रेडी हो गई है देखिए। और मैं आपको बताती हूँ चूड़ी कैसे पहनते हैं। अगर चूड़ी टाइट हो रही है तो आप चूड़ी इस तरह से पहन लीजिए, प्लास्टिक लीजिए हाथ में, और इस तरह से एकदम इजीली चूड़ी चली जाएगी आपको, एकदम इजीली। देखिए,
ये चूड़ी बहुत टाइट हो रही थी अतिथि को, पर प्लास्टिक पहनने से चूड़ी एकदम इजीली चली जाती है। अगर छोटी चूड़ी हो तो भी आप उसको अच्छे से पहन सकते हो इस तरह से। देखिए गाइस, मुझे ऐसे लगा था अतिथि ने ये चूड़ी ली तो उसको आएगी कि नहीं, पर ये आइडिया से हमने चूड़ी पहनना सीख लिया है। और अगर आपको ये आइडिया पता नहीं हो तो आप इस तरह से चूड़ी पहन सकते हैं। सुनिए, और एक बाकी है, मत निकालो। ओह सॉरी, मेरा फूल हो गया हाथ। एक एक ये पहन लो, नहीं आएगी? आ जाएगी, क्यों नहीं? हाँ तो चलता है वो तो, ले पहनो। निकाल लो। तो गाइज इस तरह से चूड़ी पूरी पहन ली है। चलो मैं अतिथि को हेल्प कर देती हूँ प्लास्टिक निकालने में। तो गाइज ये फुल लुक, पहले तो आप हेयर स्टाइल का लुक देखिए कैसा लग रहा है। ये कुछ लेटेस्ट स्टाइल मैंने सीखा है अभी, और इस तरह से अतिथि का चनिया चोली है पूरा, ये देखिए सिंपल सा है। और यहाँ पे इतना मैस है ना, आप देखिए मत। एक मिनट, इयर रिंग्स बता देती हूँ। ये आँख का आईज मेकअप बता दो, आँख नीचे करो। तो ऐसे है आई मेकअप, और ये फुल लुक विद चूड़ी। और ये दुपट्टा का स्टाइल लगाया है इस तरह से, पूरा इस तरह से, पूरा पीछे इस तरह से लगा दिया है मैंने। तो गाइज इस तरह से अतिथि रेडी हुई है और मैंने ड्रेस पहन लिया है आज। तो गाइज हम दोनों ने इस तरह से अपना लुक बना लिया है, और अभी शायद वीडियो में ये बाल इतने अच्छे नहीं लग रहे, पर नॉर्मली अच्छे लग रहे हैं गाइज। तो हमारा आ गया पीछे नहीं रहने का हमेशा। तो गाइज इस तरह से हम लोग रेडी हो गए हैं। चलिए मैं थोड़े से फोटोज निकाल लेती हूँ। गाइज उस दिन तो अतिथि ने वो दूसरे वाले कान के पहने थे, पर आज ये वाला अच्छा लग रहा है, तो आज ये चेंज हो जाएगा ना। उस दिन तो सबने देखा है ना, और वही शादी में जा रहे हैं अब हम लोग। तो फाइनली हम रेडी हो गए हैं और निकलते हैं। और आपको ये चूड़ी का स्टाइल कैसा लगा प्लास्टिक वाला, आप मुझे ना कमेंट करके बताइएगा गाइज, कि आपको कभी चूड़ी छोटी हो तो आप, और मुझे इस तरह से कमेंट करके जरूर से बताइए। और मैं अतिथि का ही वीडियो बनाती रहती हूँ, क्योंकि वो तैयार होने में से ऊपर नहीं आती, और मेरा वीडियो तो बनाती ही नहीं है, मैं ऐसे ही रह जाती हूँ। मम्मा का वीडियो नहीं बनाती है ना। आप कल लेती हो अभी दो ड्रेस पूरा, और ये मेरा लुक कैसे लग रहा है, और मेरे बाल दिखा दो कैसे लग रहे हैं। मैंने बाल इस तरह से बांधे हैं, मेकअप तो पूरा गया, क्योंकि मेकअप अब और कुछ नहीं कर सकते, ऊपर से मेकअप फिक्सर स्प्रे मार दिया है तो कुछ नहीं कर सकती हूँ। और गाइस कमेंट करके बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ, ठीक है। और स्पेशली मेरे ये बाल, तो मम्मी बेटी दोनों रेडी, आ गया फोन हमारा, चलिए निकलते हैं। तो गाइस चलिए अब हो गया है, कॉल आ गया है फाइनली, और हम लोग निकल रहे हैं, तो मिलते हैं शादी में। ओके तो गाइस चलिए लाइट ऑफ और निकल रहे हैं। मेरा फेस पूरा काला हो गया क्योंकि मैंने आज फाउंडेशन नहीं लगाया है, पर थोड़ा लाइट फिफ्ट इफेक्ट में आपको बताती हूँ। थोड़ा लेट भी हो गए जरा। तो गाइस हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से, और देखिए ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, स्लोली स्लोली आगे बढ़ रहे हैं। और देखिए सबको दिखा रही हूँ मैं आपको, पीछे निकिता है, अतिथि है, और इस तरह से बैठे हैं। आगे कभी दिखाती हुई आपको। चलिए राजू, बहुत ट्रैफिक है गाइस, लेट
बैलगाड़ी की तरह आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे गाइस। अब पता नहीं कितना टाइम लगेगा, पहुंचते हैं और वहां जाके मैं आपको शादी का माहौल सब शूट करके बताती हूँ। ओके अभी हम लोग पहुंच गए हैं और बस यहाँ से बारात निकलेगी। सब कुछ जगह नहीं, यहाँ देखो बेटा थोड़ा इसको बांध दो इसको। ए प्रिया देखो ए बाबू कुछ और क्या मामा को मतवा ले तो रुको रुको रोड पट्टी आप पिनाया
बेटा स्पून के बगैर खाने का।